नमस्कार, शिवरात्रि के महापर्व पे सभी बागवान भाइयों का मैं एप्पल मिरर के माध्यम से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ जो जानकारी शेयर करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे टॉप ग्राफ्टिंग के क्या बेनिफिट्स है। टॉप ग्राफ्टिंग हम जो इतने साल से अपने ऑर्चर्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सारे बागवान भाई भी इस प्रैक्टिस को अपने ऑर्चर्ड में पिछले कई सालों से कर रहे हैं, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टॉप ग्राफ्टिंग जो है वह किस लिए की जाती है। सबसे बड़ा इसका मेन मोटिव होता है प्रोपोगेशन ऑफ ओल्ड प्लांट इनटू सुपीरियर वन। ठीक है जी, तो ये इसलिए सबसे बड़ा जो टॉप ग्राफ्टिंग का फ़ायदा है वह होता है कि आप ओल्ड प्लांट को प्रोपोगेट करते हो न्यू वैरायटी में। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो ओल्ड वैरायटी का प्लांट था स्कारलेट टू का, ये 6200 फीट में हमने तैयार किया है। इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 डेज फॉर 2 पर्सन टू कन्वर्ट दिस प्लांट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस प्लांट में हमने काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा टॉप ग्राफ्ट किया है। नंबर दो, इतने बड़े प्लांट में टॉप ग्राफ्टिंग जब हम करते हैं, इसका एक और क्या एडवांटेज है। एडवांटेज इसका ये है कि इसमें इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन जो है आपका वह इंक्रीज़ होता है। प्रोडक्टिविटी लेवल जो है टॉप ग्राफ्टिंग की वजह से वह इंक्रीज़ होती है। और हम जैसी न्यू वैरायटी इस पर तैयार करते हैं तो क्वालिटी जो है, जो हमारे पहले ये रॉयल कल प्लांट था, अब ये स्कारलेट टू का हो गया है, नेक्स्ट ईयर ही ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए इसका हम इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि आपके सैंपल जो है वह बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो नेक्स्ट ईयर इसमें ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं 3 to 4 boxes जो है ये प्लांट प्रोड्यूस करेगा। सो सिर्फ यही नहीं है कि हमने बड़े प्लांट्स ही हम टॉप ग्राफ्ट करते हैं, छोटे प्लांट भी हम ग्राफ्ट करते हैं। जैसे हम आपको ये दिखाएंगे यहाँ पे, ये रूट स्टॉक का M9 का प्लांट था पहले, इट वाज ऑन M9 सुपर चीफ। तो सुपर चीफ में ग्रोथ इश्यू बहुत था, तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपके प्लांट बहुत छोटा है तो आप सुपर चीफ स्कारलेट टू में उतने ना जाइए, बिकॉज कि उसमें ग्रोथ इशू है। सो हमने इसको कन्वर्ट किया किंग रॉड पे, तो आप देख सकते हैं अब इसमें 2 साल से ये प्लांट में थोड़ी काफ़ी ग्रोथ भी आ गई है। एंड ये इसके तो मजबूत प्लांट बन गया है। सो ये हमारा एक और भी एक तरीका होता है कि हम देखते हैं कि प्लांट की हेल्थ कैसी है। अगर हेल्थ अच्छी है तो हमने फिर उसी के हिसाब से उस पर वो वैरायटी करनी है। अगर हमें लगता है कि ये प्लांट जो है मजबूत है, लाइक जैसे ये है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लांट है यहाँ पे, तो ये दिस इज़ सुपर चीफ, तो ये हमने आज से 6-7 साल पहले किया था, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लांट है। तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ भी कोई इशू नहीं है इसमें। हाँ, अगर आपका प्लांट, तो जहाँ पे आपका हेल्दी प्लांट है तो आप हेल्दी प्लांट के ऊपर जो है रेड डिलीशियस, जिसमें ड्वार्फ वैराइटीज लाइक स्कारलेट टू, एडम्स पर, सुपर चीफ, आप ये सब वैराइटीज तैयार कर सकते हो। हाँ, अगर आपका प्लांट उतना मजबूत नहीं है, थोड़ा छोटा है, आपने प्लांट भी तैयार करना है, तो आप जो है उस पर वैराइटीज़ लाइक जेरोमाइन, किंग रॉट, रेड ब्लॉक्स, या फिर आप अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा वीक प्लांट, आपने बहुत अच्छा प्लांट तैयार करना है, मजबूत प्लांट तैयार करना है, तो आप गारा स्ट्रेन की वैराइटीज़ जो है वो कर सकते हो। आप ये देखिए यहाँ पे, ये सिंगल ग्राफ्ट प्लांट है, ये यहाँ से किया गया है आज से 8 साल पहले। आप यहाँ देखिए, ये काफ़ी नीचे दब चुका है इसका। सो ये 8 साल में, 6-7 8 साल हो चुके हैं इसको, आप देखिए इसकी ग्रोथ। सो भगवान भाई, सिर्फ हमने ये बड़े प्लांट ही टॉप ग्राफ्टिंग की है, ये तो अभी हमने पिछले कल ही हमारा कंप्लीट हुआ है। इसमें ऑलमोस्ट 1000 बडवुड जो है वह लगा है। तो हमने जैसे आपको पहले भी कई वीडियो में दिखाया कि हम टंग ग्राफ्टिंग करते हैं जहाँ पे थोड़ा मोटा कट है, जैसे ये देखिए यहाँ पे, तो इसमें हमने स्टैप ग्राफ्टिंग टेक्निक यूज़ की है, तो यहाँ पे टंग ग्राफ्टिंग यूज़ की है। सो प्लांट को देखे, ब्रांचेस को देखे, उसके अनुसार ही हम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग की जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल करते हैं। सो आगे हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो हम इस साल
ग्राफ्टिंग कर रहे हैं या पिछले कई सालों से भी किया है, ये प्लांट आपको दिखाएंगे। ये दिस इज़ किंग रॉट, ये 2 साल का प्लांट हो चुका है किंग रॉट का। पहले 8 साल का प्लांट, 6-7 साल का प्लांट था, तो इसके ऊपर हमने किंग रॉट किया तो काफ़ी मजबूत ये प्लांट बना है। दिस इज़ रेड ब्लॉक्स, जो कि आपकी देखिए कितना शानदार ग्रोथ है, नॉन स्प्रेड वैरायटी है। सो इसके साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे यहाँ पे, ये जो ये प्लांट है ये भी सुपर चीफ फ्रांस का है, ये ग्रेनी स्मिथ है, ये पीछे किंग रॉट हमने काफ़ी बड़ा प्लांट तैयार किया है। उसके साथ साथ बहुत सारे प्लांट है जो सारे के सारे ये टॉप ग्राफ्ट है, और जो छोटे प्लांट भी है बीच में ये भी हमने ग्राफ्ट करने शुरू कर दिए। जैसे 2-3 साल का प्लांट, ये 3-4 साल का प्लांट हो जाता है तो हम इसको ग्राफ्ट कर लेते हैं। सो आपके यही नहीं कि आप सिंगल स्टैम्पी, जैसे ये प्लांट है अभी आप ये मानिए ये प्लांट छोटा प्लांट है, तो अगर इसमें भी इतनी जान नहीं है तो आप इसको अभी ग्राफ्ट मत कीजिए। जब तक इसमें 2-3-4 साल में ब्रांचेस आती है तो जाके इसको आप ग्राफ्ट कीजिए। सो उसके बाद हम और दिखाते हैं आपको, कुछ और प्लांट्स भी हमने ग्राफ्ट किए हैं। ये एक और प्लांट है जो हमने जेरोमाइन का बनाया है, तो ये बहुत ही अच्छी, जेरोमाइन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहता है। हमें लगा कि ये प्लांट उतना मजबूत नहीं कि हम इसमें एडम्स पर या स्कालर 2 जैसी वैराइटीज तैयार करें जिनमें थोड़ा सा ग्रोथ इशू है, तो हमने यहाँ पे जो है ये जेरोमाइन तैयार की है। इसके बाद जो है हम आपको और दिखाएंगे, इससे अगला प्लांट जो है ये हमने इस बार और किंग रॉट का तैयार किया है। सो हर जो वैराइटीज़ है एलिवेशन के हिसाब से, हमारी एलिवेशन जो है यहाँ पे 6200 फीट है, तो 6200 फीट में मोस्टली जो हाई कलर स्ट्रेन है लाइक जेरोमाइन, किंग रॉट, एडम्स पर, स्कारलेट 2, रेड ब्लॉक्स, ये 5-6 वैराइटीज़ जो है इस एलिवेशन के लिए ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। तो पिछले कई सालों में हमारे बहुत सारे सैंपल्स भी है, तो अच्छे सैंपल्स आए हैं, तो इसी की वजह से हमने इन वैराइटीज़ पे काम कर रहे हैं। सो इसके बाद हम एक प्लांट आपको और दिखाएंगे, ये भी किंग डॉट का बनाया है हमने, आप देख सकते हैं। सो ये हमारा बागवान भाइयों, यही एक मोटिव है कि आपने एलिवेशन के हिसाब से वैराइटीज़ का चयन करना है, एज वेल एज और प्लांट की हेल्थ देखनी है कि अगर आपको लगता है कि ये प्लांट ज़्यादा मजबूत है तो ही आप उस पर टॉप ग्राफ्टिंग कीजिए, ठीक है। और वैराइटीज़ चूज़ किया कि हमने इस वीक प्लांट पे हमने पॉलिनेशन वैराइटीज़ तैयार करनी है, जो हमारा मजबूत हेल्दी प्लांट है उसमें आप कोई भी वैराइटीज़ जो है वह तैयार कर सकते हैं। सो अभी हमारा ये प्रोसेस जो है एक टॉप ग्राफ्टिंग का कुछ और दिन चलता रहेगा, 8-10 दिन, 15-20 दिन शायद, जितना भी जब तक हमारा ये कंप्लीट नहीं होता है। बहुत सारे प्लांट्स हमने इस बार चेंज करने हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ध्यान रखना है कि जो ग्राफ्टर्स, सबसे पहली बात आपके अच्छे होने चाहिए, नहीं तो आपके इतने बड़े प्लांट है वह भी ख़राब होना हो सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखे ही आपको जो है ग्राफ्टिंग करनी चाहिए। हम देखते हैं कि कई बागवान भाई को ये कहना कि आप इतनी बड़ी कलम भी यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो इसमें कई बार ऐसा है कि हमने ये इसलिए यूज़ किया कि बहुत इस प्लांट में काफ़ी फोर्स है, तो हम ये चाहते हैं कि छोटी कलम जो है मिस ना हो जाए, तो हमने इसलिए इसको बड़ी कलम में जो है इसका इस्तेमाल किया है। और अगर इसमें पहले ही 4-5 आँखें, अगर हमारे पास 5 आँखें हम 3 यूज़ करें तो 2 हमारी बेस होती है, तो इसलिए हमने 5 की 5 जो है वह यूज़ की है। सो और जो है हम आपको ये बताएंगे यहाँ पे आगे जाके कि और क्या हो सकता है। ये स्कारलेट 2 है, पिछले साल ही हमने किया था, आप इस बार देख सकते हैं इसमें पिछले साल के प्लांट हैं, ये देखिए कितना अच्छा बर्ड फॉर्म हुआ है। आगे हम आपको इसके सैंपल भी दिखाएंगे इन प्लांट के, जो पिछले साल हमने टॉप ग्राफ्ट किए थे कि इसी साल जो है उसमें सैंपल्स आ जाएंगे। सो ये जितने भी यहाँ पे प्लांट्स दिख रहे हैं आपको, छोटे प्लांट्स हैं, जैसे ये प्लांट है ये हमने एडम्स पर पे तैयार किया है, इसको 2 साल हो गए तैयार करके।
आप देख सकते हैं। तो छोटे प्लांट्स, बड़े प्लांट्स, सब प्लांट जो है हर वैरायटी के हमने अपने ऑर्चर्ड में तैयार कर रखे हैं। सो हम उसको देखते हैं कि कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारे ऑर्चर्ड पे, तो ज़्यादा कर हम उसी वैरायटी पे काम कर रहे हैं। तो बागवान भाइयों, सिर्फ ये बात ना सुनिए कि इस एलिवेशन में ये चलता है, ये नहीं चलता है। आप खुद उन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपको असली मालूम होगा कि कौन सी वैरायटी जो है आपके एलिवेशन के लिए सूटेबल है। सो यही जानकारी जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि टॉप ग्राफ्टिंग के क्या बेनिफिट्स है। आप देख सकते हैं कोई भी प्लांट में हमारे कोई भी शिकायत नहीं है, अच्छे तरीके से छोटे प्लांट, बड़े प्लांट, उनकी कंडीशन जो है, हेल्थ जो है वो अच्छे तरीके से चल रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी हम आपके साथ इस तरह कुछ जानकारियाँ जो है वे आपके साथ शेयर करते रहेंगे।